अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सभी? इंशाल्लाह आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सभी को सेहतमंद रखे। आप सभी अपने अपने घरों में अपनी अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, आबाद रहें, और जो भी औलाद है अल्लाह ताला उन सभी को नेक औलाद से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। तो जी, अब मेरी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी हैं और आज मुझे जाना है वापस शुपरी। और सुबह का मेरा जो रूटीन है वो बहुत बिजी चल रहा था, इस वजह से मैंने आज सुबह से अपना ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। बस अब दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ। नहा लिया है मैंने, और नहाने के बाद आज मैंने ये मेरा जो बनारसी सूट है येलो कलर का वो पहना है। हल्की हल्की सी ठंड सी फील हो रही थी और अब बस हल्की हल्की सर्दियाँ आने लगी हैं, तो मोटे मोटे कपड़े निकालने की बारी आ गई है। तो मैंने ये मेरा इनर वाला सूट निकाल लिया है, और भी कुछ कपड़े मैंने निकाले थे वहाँ ले जाने के लिए, तो उन पर तो धूप मैंने पहले ही लगा ली थी। और अब ये देखिए, देखते देखते पता नहीं कब छुट्टियाँ पूरी हो गई, टाइम का पता ही नहीं चला। मैं तो बिल्कुल बिजी सी रही घर पर आने के बाद, और कहीं कहीं जाने का भी सोचा था लेकिन बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला, कहीं नहीं जा पाई। ये छुट्टियाँ तो इतनी जल्दी गुजर गई कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप लोगों ने खुद देखा था मेरे ब्लॉग में कि मैं कितनी बिजी चल रही थी। खैर कोई बात नहीं, सब चलता रहता है जी। तो अभी मैं बस अब खाने की तैयारी करूँगी, और आज मैं खाने में दाल बाटी बना रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रही थी, जब से आई हूँ तब से सोच रही थी कि चलो किसी दिन दाल बाटी बनाएंगे। अब देखिए आज जाकर बना रही हूँ, और आज सच में बहुत ज़्यादा काम है। मतलब सुबह से ही मैं इतनी बिजी थी, और शाम को फिर हम लोगों को निकलना भी है, तो आप लोग तो सोच सकते हो ना कितना काम होगा। फिर भी मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग तो बना लेते हैं। तो अभी बस बाटी का आटा लगा रही हूँ, और बाटी मैं सेकूँगी माइक्रोवेव में, क्योंकि बाटी का जो ओवन है वो मैं शुपरी ले गई हूँ। अब शुपरी में भी देखिए ज़रूरत है ही सही ना, वहाँ भी बाटी बनती है। तो चलो मैंने सोचा चलो माइक्रोवेव में बना लेंगे, अच्छी बनती है माइक्रोवेव में भी बाटी। तो बस ये बाटी को मैं सेकने के लिए रख देती हूँ, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता, केवल 15 मिनट में हमारी इतनी अच्छी सॉफ्ट बाटी सिककर तैयार हो जाती है माइक्रोवेव के अंदर। दाल खैर मैंने बना ली है, मिक्स वाली दाल बनाई है, और दाल को अब बस मैं फ्राई करूँगी। तो जब भी मैं बाटी के साथ दाल बनाती हूँ तो फ्राई दाल ही बनाती हूँ, लेकिन दाल को फ्राई करने का जो मेरा तरीका होता है वो हर बार अलग अलग होता है। इस बार मैं थोड़े अलग तरीके से दाल को फ्राई कर रही थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। और दाल में मैं देखिए हमेशा घी का ही यूज़ करती हूँ, ऑयल का यूज़ नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने घी डाला है, और उसके बाद मैंने डाला है बहुत सारा लहसुन और प्याज बघार के लिए। तो लहसुन आप ज़रूर डालें, लहसुन देखिए हार्ट के हिसाब से भी बहुत अच्छा रहता है, हमारे हार्ट को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है लहसुन, ज़रूर हमें खाना चाहिए। सर्दियों में तो आप लहसुन सेक कर खाया करें, बहुत बढ़िया रहेगा। आपके घुटने वगैरह की अगर प्रॉब्लम होती है ना दर्द की, तो वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसके बाद मैंने एक टमाटर कट करके डाल दिया है, और हरी मिर्ची डाल दी है। अब ऊपर से मैं सारे मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे नमक है, हल्दी पाउडर है, और लाल मिर्च पाउडर है। थोड़ा सा नमक जब मैंने दाल को उबाला था उस टाइम भी मैंने डाल दिया है, और थोड़ा सा इसमें मैं गर्म मसाला पाउडर भी डाल रही हूँ। बस अब मैं हल्का सा पानी डालूँगी, हल्का सा पानी डालकर इस मसाले की अच्छे से भुनाई करूँगी, और यही हमारी फ्राई दाल का मसाला होगा, बहुत अच्छी बनती है। तो दाल को देखिए, जब भी हम फ्राई दाल बनाएं तो उसका जो तड़का है वो अलग अलग तरीके से ही लगाएं, मतलब कि बघार, तभी हमारी दाल बहुत अच्छी बनती है। और हम चाहें तो अगर घी की जगह बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, तो बटर से भी दाल में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कई बार मैं बटर भी डालती हूँ, लेकिन आज मैंने घी ही डाला है। यहाँ पर मैं अपने कुछ जो गरम कपड़े हैं वो मुझे अभी बैग के अंदर रखने हैं, वो नहीं रखे हैं। अब देखिए बच्चों के तो गरम कपड़े खैर कल ही मैंने रख लिए थे, मेरे रह गए थे, और धूप मैंने लगा लिए इन पर, बस अब धूप लगाने के बाद ही रखती हूँ। देखिए जितने भी जो गरम कपड़े हैं उनको धोकर अच्छे से ही रखती हूँ मैं, जब सर्दियाँ जाने वाली होती है ना उस टाइम। और ये वाला जो कुर्ता आप देख रहे हो ना ब्लैक कलर का, ये मेरी माँ की निशानी है, मेरी मम्मी ने मुझे दिया था, तो काफ़ी अच्छे से मैंने इसे संभाल कर रख रखा है। संभालने से मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं इसे पहनती नहीं हूँ, जब भी सर्दियाँ आती हैं, अब सर्दियाँ आ गई हैं बस, तो मैं इस कुर्ती को पहनूंगी। आखिर मेरी माँ की यादगार है, माँ की निशानी है, और माँ की निशानी को देखिए हर बेटी अपने सीने से लगा कर रखती है। तो बस अब हम लोग खाना खाएंगे, आ जाइएगा आप लोग भी। दाल बाटी है, और मज़ेदार सा मेरे फूफी की सास के हाथों का अचार है,
काम करते करते जी मुझे याद आया कि अभी तो मुझे छत पर जाना है, मेरी रजाइयाँ पड़ी हुई हैं उन्हें पलटना है। वैसे इन रजाइयों पर मैंने कल भी धूप लगाई थी, लेकिन सोचा चलो आज दिन भर की धूप और लग जाएगी, फिर शाम की हम लोगों की बस है, शाम की बस से हम लोगों को वापस निकलना भी है। कंबल तो खैर मैं पहले ही सुपरी लेकर जा चुकी हूँ, लेकिन रजाइयों की यहाँ ज़रूरत है, तो रजाई लेकर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी आना जाना रहेगा, सर्दियों में भी छुट्टियाँ वगैरह पड़ी तो हम लोगों को इधर आना पड़ेगा। तो जी मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी जा रहे हैं शुपरी, वैसे वो नहीं जाते, लेकिन आप लोगों को क्या बताऊँ, कुछ ऐसी परेशानी मेरे सामने खड़ी हो गई है अचानक से आकर कि उनका जाना बहुत ज़रूरी है। परेशानी तो खैर मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी, बस इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस तरीके से आप लोग व्लॉग में आकर कमेंट्स कर मुझे अपनी परेशानी बताते हो कि साइना जी हमारी परेशानी के लिए आप अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा, ठीक उसी तरीके से आज मैं भी आप लोगों से यही कहूँगी कि आप भी मेरी परेशानी के लिए अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा कि जो परेशानी मेरे साथ चल रही है जल्दी से जल्दी अल्लाह ताला उसे दूर कर दे। बस उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि आखिर क्या परेशानी चल रही थी, पहले वो परेशानी दूर तो हो जाए। तो बस उसको लेकर इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बता नहीं सकती खैर अभी। तो आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी क्योंकि सामान वगैरह सब सेट करना था, शाम को हम लोगों को निकलना था और अभी दोपहर का टाइम है। तो मुझे बिजी देखकर रिदा कहने लगी लाओ मम्मी मैं बना देती हूँ चाय, तो मेरे हस्बैंड और अली की चाय का टाइम हो गया था तो दोनों के लिए चाय बनाई, रिदा की भी इच्छा हो रही थी तो थोड़ी सी रिदा ने अपने लिए भी बना ली थी, और साथ में परतदार मठरी है, लेयर वाली मठरी जो मैंने वालू सही बनाई थी ना उस टाइम बनाई थी वो मठरी, तो वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो जी इसे हम कहते हैं लेयरदार मठरी, जैसे कि हम सिंपल मठरी का डो तैयार करते हैं उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा मोयन, मोयन हम बोलते हैं ऑयल को, गुनगुना ऑयल डालकर तैयार करते हैं ना, वैसे ही मैंने इसका डो तैयार किया है और ये मैंने इसकी रोटी के बराबर की लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं इसकी चार चार रोटियों की परत तैयार करूंगी, मतलब एक रोटी बेलकर उसके ऊपर फिर मैं घी लगाऊंगी अच्छे से, फिर उसके ऊपर मैं दूसरी रोटी लगा दूंगी और उसके ऊपर फिर घी लगाकर फिर तीसरी रोटी बिछा दूंगी और उसके ऊपर फिर घी लगाकर फिर चौथी जो रोटी है वो बिछा दूंगी। इस तरीके से चार चार रोटी की हमें तय तैयार करनी है और उसको फिर हमें पलट देना है, रोल करना है। रोल करने के बाद फिर हमें इसकी छोटी छोटी सी लोइयां काटनी है और उन लोइयों की हमें पूरी बनाकर तैयार करनी है। तो इस तरीके से हमारी जो लेयरदार मटरी है वो बन जाती है और लेयरदार मटरी बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, देखने में भी ये अच्छी लगती है और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है। शाम के नाश्ते में आप इसे खा सकते हैं चाय वगैरह के साथ। तो बस ये मैंने थोड़ी सी बना ली थी कि चलो थोड़ी बहुत बच्चों के लिए हो जाएगी, मैं शिवपुरी जाऊँगी तो थोड़ी सी बना के ले जाती हूँ, वहाँ बच्चे नाश्ते में खा लेंगे इसे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने छोटी छोटी लोइयाँ इसकी बनाकर तैयार कर ली हैं और इन लोइयों को भी मैं वापस अभी बेल लूँगी। मेरी सारी लेयरदार मठरी बनकर तैयार हो चुकी है, बस मुझे अब फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया है, ऑयल गर्म होने पर मैंने ये सारी मठरी इसके अंदर ऐड कर दी है। बस अब देखिए हमें थोड़ा सा हल्का सा इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है, ब्राउन होने तक, अगर आप वाइट पसंद करते हैं तो वाइट ही रहने दें, तो नहीं तो थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन इन्हें फ्राई कर लें। काफ़ी अच्छी ये बनती हैं, आप लोग ज़रूर बनाइएगा, आपके बच्चों को भी ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जल्दी बनकर तैयार हो जाती हैं। तो मेरी जो लेयरदार मठरी है माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी काफ़ी बढ़िया बनी है, ये क्रिस्पी भी हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी हैं। तो ये देखिए इनका फाइनल लुक बहुत ही बढ़िया बनी है और सामान वगैरह सब मेरा बस पैक हो चुका है। तो एक तो मतलब उधर से जब मैं आई थी तब तो इतना सामान नहीं था, लेकिन माशाल्लाह से अब इधर से ले जाने के लिए बहुत सारा सामान हो गया है। एक तो ये ट्रॉली बैग तो तैयार है इसे ही, साथ में ये जो बड़ा वाला
बैग देख रहे हैं, इसमें भी माशाल्लाह से बहुत सारे कपड़े हैं, गर्म कपड़े तो मैंने सारे इसी में भर लिए थे। और ये शाम के लिए मैंने खाना भी बना लिया है, मटर का पुलाव बनाया था, क्योंकि हम लोगों को शिवपुरी पहुँचते पहुँचते रात का वक्त हो जाएगा, तो फिर रात को 9 साढ़े 9 बजे तक ही हम लोग पहुँचेंगे, फिर रात में मैं कहाँ खाना वगैरह बनाऊँगी, तो इसलिए सोचा चलो मटर का पुलाव बनाकर पैक करके यहीं से ले चलते हैं, तो अच्छा रहेगा, एकदम से भूख भी लगेगी फिर बच्चों को। तो बस अब ये खाना भी मैंने पैक कर लिया है, और जी बस अब हम लोग रवाना होते हैं। और जी आप लोगों से जैसे कि मैंने कहा है कि मेरी उस परेशानी को दूर करने के लिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर दुआ करें, ठीक है, करिएगा। तो जी बस हम लोग रवाना हो रहे हैं। बच्चों को मेरे को बस का सफ़र बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि मम्मी अच्छा नहीं लगता, ट्रेन से ही अच्छा लगता है जाना, लेकिन क्या करें, अब अभी से हल्की हल्की सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, तो ट्रेन नाइट की है, और नाइट में देखिए ट्रेन में ठंड लगती बच्चों को, तो इस वजह से हमने यही सोचा कि चलो बस से ही चलते हैं। और अब सर्दी का टाइम आ गया ना, तो हमें बस से ही आना जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन दिन में कोई ट्रेन ही नहीं है यहाँ 12 से शिवपुरी के लिए। और जी बस हम लोग आ चुके हैं घर पर अपने, और टिंकल ओडी को हम इस तरीके से पैक कर कर लाना पड़ता है हमें, ये देखिए टोकरी के अंदर बंद करके ऊपर से ये चुन्नी बांधनी पड़ती है, चुन्नी बना रखी है इनकी दोनों की अलग अलग टोकरी की, तभी इनको हम लेकर आते हैं, थोड़े से ध्यान से ही इनको लाना पड़ता है। जिन जिन लोगों ने दुआएं कराई हैं उन सब के नाम मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखे हैं, आप सभी लोगों के लिए मैं अल्लाह ताला से अपनी नमाज़ में दुआ करूंगी कि आप लोगों की जो भी परेशानियां हैं अल्लाह ताला उन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर करें। और जी ये था मेरा आज का ब्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बस इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ, आप सभी अपना और अपनी पूरी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, हम सभी को दुआओं में याद रखिएगा, आप लोगों से मिलती हूँ फिर से मेरे एक नए अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।